हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये मेरे इस साल का फर्स्ट ब्लॉग है। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और आपका ये साल और भी अच्छा जाए जो पहले साल गया है, 2022 इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, आपकी सब विश पूरी हो। तो गुड मॉर्निंग हो गई है और देखो मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। यहाँ पे देखो धूप भी आ रही है, अंदर कितनी अच्छी धूप आ रही है ना। तो अभी उठ के मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। तो बस इस साल क्या है, इस साल तो बहुत काम होने है मेरे, तो मेरा ऑपरेशन होना है, उसकी डेट हो गई है। अभी मैं दोबारा जो ब्लड टेस्ट वगैरह करने हैं तो वहाँ जा रही हूँ मैं हॉस्पिटल, तो तब पता चलेगा। ये ब्लॉग में अभी जो है इंट्रो ये बाद में शूट कर रही हूँ हॉस्पिटल का, पहले मैं जाके आ चुकी हूँ और हस्बैंड भी आ गए हैं, वो सो गए हैं। तो आप इससे पहले का व्लॉग एंजॉय कीजिए और कंटिन्यू रहिए हमारे साथ। रजनी और मैं आ गए हैं मैक्स हॉस्पिटल, रजनी भी आ गई आज मेरे साथ। तो रिपोर्ट भी आ गई, बिल कटा लिया, रजनी और मैं आपसे बैठे हुए हैं, मैंने मास्क नहीं लगाया था। तो यहाँ पे हमारा नंबर यहाँ सिखाना है पैनली सर को। कितने बजे की अपॉइंटमेंट थी, 12:01 हो रहा है, सही टाइम पे आया हम ना। डेट देखो बिलिंग की 12:01, ठीक टाइम पे पहुँच गए। आज पता चल जाएगा ऑपरेशन कब है क्या है, आज ही करवा लूँ, आप रहोगे तुम। अरे सपंत भी यही मैक्स में एडमिट है, बाहर रिपोर्टरों की हुआ है, लाइन लगी हुई है ना। बस अब ब्लड टेस्ट कराते हैं और सीधे घर पर आ गए। ब्लड टेस्ट के लिए बैठे हुए होंगे, इसको निकल नहीं देते यार, बहुत सोच कर रहा मास्क। ये क्या करूं कल इसका? क्या है? ब्लड टेस्ट के बाद हम जा रहे हैं। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं आज? कैसे लग रहे हैं मास्क? फ्रेश मीडिया कॉल, मीडिया मीडिया मीडिया। देखो गाइस कैमरा लेके यहाँ, तगड़े तगड़े कैमरे वैमरे लेके, अभी चाय पीते पीते भी रख रखी किसी ने यहाँ पे। ये देखो मीडिया, देखो ऋषभ पंत एडमिट है, तो यहाँ मैक्स की चांदी चांदी हो रही भाई, मीडिया वालों की चांदी चांदी है मेन, तो है ना। नहीं फिर आप बताओ, सब मीडिया है, कॉफ़ी पी रहे हैं और बस बैठे हुए आराम से। अब वो जैसे पंत को तो आने देंगे, वो तो कहीं हाई फाई रूम में ऊपर। हम नैनीस में खड़े हैं, क्या है मशरूम बन है हमारा और एक नबी के लिए कढ़ाई मशरूम बन और एक नबी के लिए मैंने पेस्ट्री पैक करा दी है। अभी जस्ट हम हॉस्पिटल से आई रहती, अब देखते हैं मार्केट जाते हैं क्या करते हैं, टाइम नहीं हो रहा है, 2:30 बज गया है हॉस्पिटल से आते आते। तिब्बत मार्केट रजनी और हम आ रहे थे, तो हमने कहा चलो हैं कलेक्शन तो अच्छा मिलता है ना, थोड़ा कॉस्टली मिलता है। क्या करो मेरे मेरा ये दिख रहा है, क्या हुआ था, दिख रहा है तो जैकेट वगैरह कुछ लेनी है नहीं हमने, मैंने सोचा मतलब नहीं होंगी, जैकेट कोट वगैरह हैं यहाँ पे काफ़ी। ये वाली अच्छी लग रही है मुझे, हाँ शर्ट आई गरम अंदर से देखो नीचे, जो नीचे लगे हैं ये भी तो उसी टाइप के, देखो अच्छी लग रही है वैसे, वैरायटी तो अच्छी मिल जाती है यहाँ पे, लुक भी तो है। मुझे ये अच्छी लग रही है शर्ट, कॉटराइज जैसे थोड़ी तो मैं तो गिर गई। ये शर्ट कैसी अच्छी लग रही है, वो यहाँ से जैकेट और नबी के लिए। मार्केट घूम लिया हमने आगे से पीछे तक, थोड़े सा और बचा आगे से, बस थक गए भी घूमते घूमते। सामान तो बहुत अच्छा है बट ना जेंट्स के लिए तब लो जब वो सामने हो, क्योंकि साइज का नहीं होता है इतना, अपने लिए तो कुछ लेना है नहीं। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो रजनी चेक कर रही, वहाँ पे ले रही हूँ सामान, मफलर ढूँढ रही है, मफलर देखते मिलता है नहीं मिलता है। अरे यार रास्ते में स्कूटर रखा तुम लोग। मैं शॉप में आई हूँ नबी के, मैंने वो दिया था ना ट्रैक सूट बनाने के लिए, तो लेने आई हूँ। तेरे तो 24 साल को दे देता था उसके क्रिसमस जैसे एक दिन पहले, क्योंकि क्रिसमस के लिए लोअर मंगाए थे मैंने, वाइट में स्कूल में मंगाई थी। तो बस मैं बैठी हूँ अभी, अंधेरा हो गया है, होने वाला मतलब 5:30 हो गया है, लेकिन देखती हूँ मुझे लग नहीं रहा भैया ने बनाया होगा। मेरा नबी कहीं छुपा है पर रूम में तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है, सब सामान फैला के कहाँ गया नबी, क्या यहाँ है? नहीं तो कहाँ गया,
शायद कार ट्रेन के पीछे है। अरे यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे तो इसकी बस है, तो यहाँ तो नहीं है। कोला कोला, अच्छा मम्मी आप मुझे खेलने हो, मुझे फिर से खेलना है, फिर से खेलना है। आप कहाँ छुपे थे? ये देखो अलमारी में कैसे बैठा हुआ है चुपचाप, पता भी नहीं चला इसका। शेर की गुफा है। तो गाइस मैं आज आई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट दे दी है, देखिए पीएससी वगैरह करा लिए मैंने, जो एनएसएस वाले सर से मैंने पता सबसे मिल लिया। अब थोड़ा मैं यहाँ पे एस्टिमेट लेने के लिए रुकी हूँ, बस सब कुछ फाइनल 7 तारीख को आना है और ऑपरेशन हो जाएगा। यहाँ पे मैं बैठी हूँ, अभी ऑपरेशन का एस्टिमेट ले रही हूँ मैं ना, पैनल के हिसाब से गवर्नमेंट कार्ड है कितना खर्चा आएगा उसके हिसाब से, तो मेरे को पहले से पता कर लेना ठीक रहता है। इसलिए मैं वेट कर रही हूँ और डेट बन गया है, तो बस थोड़ी देर में घर जाते हैं। आज मैं अकेले आई हूँ, रजनी आई थी मेरे साथ परसों, उसको मैं आज नहीं लाई, वो नहीं आई, एक्चुअली काम था उसका, तो बस मैं अकेले आई हूँ। अकेले सब कुछ दिखा दिया, ऊपर नीचे भागा दौड़ी होते नहीं, बस हम घर जाते हैं। अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। यहाँ पे मैक्स वालों का ATM यूज़ कर रही हूँ, मैक्स वालों ने एक्सिस बैंक का ATM लगाया है, तो बस अब मैं घर जा रही हूँ। टोपी पहनी है ना, बहुत ज़्यादा हवा लगती है कभी गाड़ी में। गाइस पैसे निकाल लिए हैं, पैसे डालते हैं स्कूटी में, और मैक्स को 7 तारीख तक के लिए बाय बाय कहते हैं, 7 तारीख को आना है मैंने सुबह सीधे ऑपरेशन कराने। तो डब्बू को भी बुला दिया है, डब्बू आ जाएंगे आज, कल पहुँच जाएंगे, तो बस घर जाते हैं, कहीं रुकूँगी तो आपसे मिलूँगी।